So, hi everyone, NTS, NMC अपने पास आ चुका है एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हो गया है सिर्फ चार अटेम्प अपने पास बचे हैं यही सब चीजें सुन रहे हो ना इस वीडियो के अंदर हर एक चीज तुमको क्लियर करूंगी इसके बाद तुमको कोई वीडियो लिटरली देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक चीज जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता ये जो ड्राफ्ट तुम्हारे लिए आया है ऐसा ही नेक्स्ट एग्जाम से रिलेटेड उस ड्राफ्ट के अंदर भी क्लियरली जो तुम्हारे लिए आया है कि यह पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन किया गया है a, uh, uh, like, नहीं कर दिया, इस को लगा नहीं दिया गया ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है ड्राफ्ट so, में क्या बोला गया है कि जैसे ही सब डिस्कशन हो जाएगी सब लोग एक कॉमन उस पे आएंगे उसके बाद इन चीजों को लागू किया जाएगा किन चीजों को लागू किया जाएगा वो ध्यान से सुनना हो सकता है एनएमसी तुम्हारा पेपर कंडक्ट कराए या फिर किसी और को अथॉरिटी दे दे हो सकता है एनटीए कोई दे दे तो जरूरी नहीं है कि एनटीए चेंज चेंजोसी यार है बट एनएमसी उसका अब हेड होने वाला है वो उनका एक तरीके से बाप होगा बाकी नीचे उनके काम करेंगे ठीक है और इसमें रीजनेबल टाइम दिया जाएगा क्लियरली ड्राफ्ट के अंदर mentioned है ताकि किसी बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए ठीक है जी देन अपने पास नेक्स्ट आता है मिनिमम एलिजिबल स्कोर अपने पास यहां पर होगा कहीं पर भी एडमिशन आपको लेना है एक चीज जो मैं यहां पर मानती हूं वो ये अपने पास यहां पर है कि जो टाइम

हमारे पास क्लास ट्वेल्थ में पहले इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता था अब बोला कि बायो ठीक है बायो से कर रहे हो वेल एंड गुड अगर बायो की जगह बायोटेक्नोलॉजी से कर रहे हो तो भी चलो हम मान लेंगे तो भी तुमको नीट यूजी के लिए एलिजिबल कर देंगे चेंज नंबर टू ठीक है चेंज नंबर थ्री जो मुझे लगता है सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया होने वाला है स्पेशली डेली यूपी बिहार इधर वाले बच्चों के लिए सुनो ध्यान से स्टेट कोटा नहीं बचेगा ऑल इंडिया कोटा अपने पास यहां पर आ जाएगा दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 बिग चेंज चेंज देन एक change, जिसके लिए आई गेस मैक्सिमम स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं वो वेट कर रहे हैं दीदी हमको ये बताओ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ये एक लाइन लिखी गई है जिसको ऐसे फैला दिया गया है कि चार अटेम्प्ट्स बचे हैं भाई मुझे नहीं पता कि या तो उन लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़नी आती या क्या

कोई वैलिड रीजन होना चाहिए आप बीमार हो या फिर आपका सिंगल पेरेंट आपके पास है तो ये अभी भी होता था ये कोई नहीं है। पहले तो ले लो तुम्हारे लिए तो बस ये तीन गए हैं जो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा चेंजेस है और किए भी नहीं गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्राफ्ट है किसी की भी बहकावे में कुछ भी मत के कुछ भी बातें मत करो एनजीआर का सिलेबस चेंज हुआ है कुछ नहीं हुआ तुम्हारे लिए चुपचाप जो सिलेबस था जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते रहो कोई नीट 2023 पे इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है 2024 पे हो सकता है ये लागू हो जाए लेकिन क्या चेंजेस आ रहे हैं यार

पढ़ पढ़ लो अंग्रेजी तो तुमने भी पढ़ रखी है चार लाइन पढ़ लो सब चीज तुमको बता दी हमारे लिए अभी दो महीने हो चुके हैं ये ड्राफ्ट आए हुए अभी तक एन एमसी है पता नहीं ड्राफ्ट आया था हमारा भी दो महीने तुम्हारा भी आया है अब तुम्हारा भी ऐसे ही रहेगा चुपचाप पढ़ाई कर लो ठीक है